के पीछे लॉजिक नहीं है, दिमाग मत लगाना बाय द वे, लॉजिक नहीं है, लेकिन ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, लॉजिक नहीं है। तो सवाल ये कि वाटर गैस क्या होती है, सवाल ये कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। बहुत बार इन पे सवाल आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वाटर गैस क्या है या प्रोड्यूसर गैस क्या है। सबसे पहले आप लोग बताओ कि वाटर गैस में ऑब्वियसली वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब वाटर लिखा है तो वाटर का कुछ पार्ट तो होगा ही। वाटर को कैसे लिखते हैं बताओ, वाटर को लिखते हैं H2O। ट्रिक पकड़ना, अब ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक देखना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट, मैं सीधे नाम बता सकता हूं आपको, फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन ट्रिक से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। वाटर गैस में होती है वाटर, अब आप देखिए पूरा नाम पढ़िए, वाटर एंड देन गैस। वाटर जब गैसेस फॉर्म में जाएगा तो वो उड़ने लगेगा, सही है, बाहर निकलने लगेगा। अब आप देखो यहां से जो वाटर था बेसिकली जब वो गैसेस फॉर्म में आया तो वो बाहर निकलने लगा। जरा चेक करिएगा, ये देखिए बाहर कैसे, ये रहा ब्रैकेट, जैसे ये गैस फॉर्म में आया बाहर निकलने लगा। तो बाहर निकलने का मतलब समझो ये ऑक्सीजन अंदर रह गया और ये हाइड्रोजन निकल गया बाहर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बस अपने मन से बनाया लेकिन मजेदार है। देखो पानी होता है ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, और पानी से आपकी गैस वाटर गैस बनेगी। अब आप ध्यान से देखो वाटर के आगे गैस लग रहा है, जब वाटर गैस फॉर्म में आएगा तो उड़ने लगेगा, उड़ते उड़ते हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब जो आपको दिख रहा है वही वाटर गैस है, ध्यान से देखो कैसे। नाउ ये क्या है C, ये क्या है O, ये क्या है प्लस, और ये क्या है हाइड्रोजन। नाउ दिस इज सो ब्रिलियंट। अब जो लिखा है वही वाटर गैस का फॉर्मूला है, कैसे, ये रहा C, ये रहा O, ये रहा प्लस, एंड देन दिस वन इज H2। तो ये है ओवरऑल वाटर गैस का फॉर्मूला। देखिए अगर वाटर गैस के सामने प्रोड्यूसर गैस भी लिखा है तो उसका आंसर कैसे करोगे। वाटर गैस के साथ प्रोड्यूसर गैस लिखा है, इन दोनों का आपस में है संबंध, मतलब इनका है इंटर रिलेशन। कैसे, जरा चेक करो, अगर आपने यहां पर हाइड्रोजन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन लगा दिया तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगी। मतलब समझ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, बहुत ही बढ़िया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। इसको लगता है कि हां मजेदार था और मुझे याद हो गया, लिखो सब लोग चैट सेक्शन में।